हेलो डियर चिल्ड्रेन वेलकम बैक अगेन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू टॉपिक व्हिच इज मीनिंग ऑफ पेरीमीटर सो व्हाट डू यू मीन बाय बाटर क्या होता है पेरीमीटर टेक अ पेज फ्रॉम योर बुक ठीक है इन्होंने बुक का एक पेज ले रखा है इसी तरह से हम कोई कलर्ड पेज ले सकते हैं फ्रॉम आर ड्राॅइंग नोटबुक ओके ड्राइंग फाइल से हम एक कलर्ड पेज ले सकते हैं जिसकी प्रॉपर साइड्स हो कई बार ये एजेस साइड्स जो हैं प्रॉपर नहीं कटी होती तो वो आपने सीजर से अच्छे से कट करके इस तरह से कलर्ड पेज लेना है फिर स्केल की हेल्प से आपने ये लेंथ फाइंड आउट करनी है देखिए ये पेज जो है कितने लाइन सेगमेंट से बना हुआ है वन टू थ्री फोर और एक चीज और देखेंगे आप कि ये कैसे फिगर लग रही है आपको क्लोज्ड फिगर मैम ने आपको अपनी पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्लोज्ड uh, फिगर्स बना के बताई थी ओपन फिगर्स बताई थी और क्लोज्ड फिगर्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ये भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ भी आपकी क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई है बेटे तो इसी तरह से आप भी एक कलर्ड पेज लेंगे अपनी ड्राॅइंग फाइल से और विद द हेल्प ऑफ स्केल स्केल की हेल्प से आपने उसके लेंथ्स फाइंड आउट करने हैं जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर हुआ फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर हुआ देन दिस लेंथ एंड देन दिस लेंथ अब जो भी इनकी लेंथ्स आ रही हैं उन सभी को आपने लेंथ्स फाइंड आउट करने के बाद उनका सम निकालना है सम मीन्स प्लस करना है इन सभी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को आपने प्लस करना है ठीक है ये एक्टिविटी जितना भी प्लस करके आता है वो आपने एक साइड एक नोटबुक के एक पेज पे आपने वो पेपर पेस्ट करना है जिसकी आपने बाउंड्रीज की लेंथ फाइंड आउट की है और सामने वाले पेज पे उसका सम करना है और लिखना है या फिर सामने वाले पेज में रहने दीजिए उसी पेज में साथ में अगर जगह है तो आप वहाँ भी लिख सकते हो कि कितने कितने लाइन सेगमेंट आई, आई आपकी और उन सभी को प्लस करके आपका सम क्या आ रहा है बेटे ठीक है तो वो जो भी सम आएगा उसे क्या कहते हैं पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट तो पेरीमीटर क्या हुआ बेटा द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज़ कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर किसी भी क्लोज्ड फिगर की टोटल लेंथ कितनी होती है उसे क्या कहते हैं उसका उस फिगर का वो क्या होता है पेरीमीटर ओके टोटल बाउंड्री ये जो बाउंड्री जब हम प्लस करते हैं तो वो क्या निकलता है उस क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर सो so, द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर तो आपने नेक्स्ट पेज पर पे ये अच्छी हैंड राइटिंग में कलर से स्केच कलर से आपने इस डेफिनेशन को पेरीमीटर के डेफिनेशन को नोटबुक पे लिखना है बेटे ओके okay? देन uh, वर्कशीट टू वर्कशीट टू में क्या है देर आर फोर पिक्चर्स ठीक है फोर पिक्चर्स आपको दे रखे हैं बेटा इनकी आपने लेंथस फाइंड आउट करनी है ओके okay? फिर उसको प्लस करके निकालना है पेरीमीटर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस जो भी प्लस करके आता है पी कैपिटल पी आप पेरीमीटर के लिए यूज़ करोगे इज इक्वल टू जो भी प्लस करके आता है वो होगा उसका इस फिगर का पेरीमीटर सिमिलरली यहाँ पे यहाँ पे यहाँ भी फोर लाइन सेगमेंट्स हैं यहाँ पे थ्री थी यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके सिक्स लाइन सेगमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लाइन सेगमेंट्स ओके तो ये सारी लेंथ फाइंड आउट करोगे स्केल से फिर उन्हें प्लस करना है ठीक है बेटा नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे इनकी लाइन सेगमेंट्स दे रखे हैं तो आपने इन लाइन सेगमेंट्स को प्लस करके उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है ये भी क्वेश्चन बुक में होगा सेकेंड क्वेश्चन भी आपका बुक में ही होगा बेटा ओके okay? अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन क्या आता है बुक में कि यहाँ भी सारी लाइन सेगमेंट्स को आपने प्लस करना है बट इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है वो जो बीच में लाइन दे रखी है इसको भी इसकी लेंथ को भी प्लस कर देते हैं बट इस लेंथ लाइन सेगमेंट को प्लस नहीं करना है क्यों नहीं करना है बेटा क्योंकि ये बाउंड्री थोड़ी है ठीक है ये सारी बाउंड्री वाली लाइन सेगमेंट हैं तो इन्हें तो आपने प्लस करना है पेरीमीटर के लिए बट ये जो सेंटर में या बीच में कहीं भी कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है और उसकी लेंथ भी दे रखी है तो उसे आपने प्लस नहीं करना है क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है टोटल बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर बाउंड्री होती है ना कि बीच की लाइन सेगमेंट ओके तो इस इस क्वेश्चन को जब इस क्वेश्चन का पेरीमीटर निकालोगे तो आपने जो बाउंड्री में लाइन सेगमेंट हैं इनकी लेंथ को प्लस करना है ठीक है ये बीच का फाइव सेंटीमीटर प्लस नहीं करना है इसे इग्नोर करना है ओके बेटा दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू एंड हैव अ गुड डे